धर्मनिरपेक्ष विरोधी पार्टी है, देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। इस प्रकार बीएसपी के अथक प्रयासों से ही यहाँ मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हो जाने के कारण तथा देश की बदली हुई स्थिति में फिर ओबीसी वर्गों के वोटों के खातिर खासकर श्री नरेंद्र मोदी ने अपना चोला ही बदल दिया, गुजरात में अपना चोला ही बदल लिया। और इन्होंने फिर अपनी वैश्य समाज की टोपी अपर कास्ट में इनकी जाति आती थी, और फिर इन्होंने अपनी वैश्य समाज की उच्च गुजराती मोद ढांची जाति को, जो उत्तर प्रदेश में तेली समाज के रूप में जानी जाती है, उसे सन 1994 में ही ओबीसी वर्ग में शामिल करा दिया श्री नरेंद्र मोदी। यह अपर कास्ट का आदमी था, लेकिन जब यह मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो गई तो देश के इस बदली हुए हालातों में फिर ओबीसी वर्गों के वोटों की खातिर खासकर श्री नरेंद्र मोदी ने अपना चोला ही बदल लिया, और फिर इन्होंने अपनी वैश्य समाज की उच्च गुजराती मोद ढांची जाति को, जो उत्तर प्रदेश में तेली समाज के रूप में जानी जाती है, उसे सन 1994 में ही ओबीसी वर्ग में शामिल करा दिया। इस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ ओबीसी वर्गों का हक मारने के साथ साथ अब पूरे देश के ओबीसी वर्गों के लोगों के साथ खराबा करने का भी काम किया। और इस मामले में अब खासकर उत्तर प्रदेश के इन सभी वर्गों के लोगों को बीजेपी, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोग हैं या कन्वर्टेड लोग हैं या रिलीजियस माइनोरिटीज के लोग हैं, और इस मामले में अब खासकर उत्तर प्रदेश के इन सभी वर्गों के लोगों को बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस जातिवादी षड्यंत्र के बहकावे में कतई भी नहीं आना चाहिए, खासतौर से ओबीसी के लोगों। जबकि वास्तव में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच नीति व नियत हमेशा से ही खासकर दलित आदिवासी व ओबीसी एवं मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग विरोधी ही रही है, और इनकी ये धारणा इन लोगों के प्रति आगे भी बदलने वाली नहीं है। जो अब तक का हमें इनका चाल चरित्र चेहरा हमें जो अभी तक देखने के लिए मिली है, ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस बीजेपी वे इनकी सहयोगी पार्टियों के लोग इन वर्गों को बहुत ध्यान देने की बात है कि यदि ऐसी स्थिति में कांग्रेस बीजेपी वे इनकी सहयोगी पार्टियों के लोग इन वर्गों को, यानी कि एससी एसटी ओबीसी और जो रिलीजियस माइनोरिटीज के लोग हैं, इन सभी वर्गों के लोगों को अपनी पार्टी के संगठन में बड़े से बड़ा पद भी क्यों ना दे दे, और इसके साथ साथ ये लोग इन वर्गों में से किसी को भी किसी स्टेट का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री भी क्यों ना बना दे, तो भी इन वर्गों में से सीएम व पीएम बने लोग इन पार्टियों के अपने आकाओं के बंधुआ मजदूरी बनकर कार्य करें। अर्थात ये पार्टियां इन वर्गों को कतई भी अपने पैरों पर खड़े होते हुए देखना नहीं चाहती, अर्थात ये पार्टियां इन वर्गों को कतई भी अपने पैरों पर खड़े नहीं होने देगी। ऐसे हालातों में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के एससी एसटी ओबीसी व मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को इन सभी विरोधी पार्टियों से सावधान रहना बहुत जरूरी है, और इन्हें कभी भी इनके किसी भी लालच के बहकावे में नहीं आना। इसके साथ ही सावधानी के तौर पर
यहाँ मैं खासकर प्रदेश के मुस्लिम समाज के लोगों को भी ये बताना चाहती हूँ कि केंद्र में कांग्रेस पार्टी और यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार के चलते 6 दिसंबर सन 1992 को अयोध्या में जो विवादित स्थल को खंडित कर दिया गया था, तो इसके लिए इन्होंने आज का ही दिन अर्थात 6 दिसंबर का ही दिन क्यों चुना था, इसकी तय में जाना और इसे भी समझना मैं समझती हूँ आप लोगों को बहुत जरूरी है। और इस मामले में सच्चाई यह है कि देश में बीजेपी वे आरएसएस के लोग ये कतई नहीं चाहते हैं कि जहाँ एक धर्म को अर्थात हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी अन्य सभी धर्मों के लोग मान और सम्मान के साथ पूरे देश में जिंदगी व्यतीत कर सके, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। और ना ही ये लोग चाहते हैं बीजेपी एंड कंपनी के लोग कि इनके धार्मिक स्थल सुरक्षित रहें, इनका इतिहास सुरक्षित रहे। लेकिन इसी मानसिकता के चलते ये लोग और ये लोग सुरक्षित रहे ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनकी मानसिकता को भाग लिया था, इसलिए जब उन्होंने संविधान बनाया तो संविधान में उन्होंने सभी धर्मों को ध्यान में रखकर तो ये संविधान का उन्होंने गठन किया, संविधान का निर्माण किया। लेकिन बीजेपी के लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए उन्होंने उनको ये लगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो धर्म निरपेक्षता के आधार पर भारत का संविधान बनाया है तो ये उनके गले के नीचे से नहीं उतर रहा है, इसलिए उन्होंने वो बाबा साहब को आदर सम्मान नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने 6 दिसंबर को ही जिस दिन बाबा साहब का देहांत हुआ था तो उन्होंने बहुत गंदी मानसिकता के तहत चलकर फिर 6